उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद उपचुनाव हैं और आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र चौधरी है। उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या दावेदारी है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है। चौधरी साहब, कितना बेहतर है तैयारी? अभी हम लोगों के अंदर उत्साह है। अभी हमने दो सीटों पर हमने लोकसभा चुनाव लड़ा था, एक बिजनौर सीट पर और एक बागपत पर। दोनों पर हमें बम्पर जीत मिली है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कि जैन जी हैं, अभी उन्होंने मंत्री पद संभाला है, तो हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस में हैं। और माननीय जैन चौधरी ने जैसा कि आदेश उन्होंने किया है सभी पदाधिकारियों को, जो हमारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर उन्होंने प्रभारी भी तय कर दिए हैं, और वो प्रभारी लगातार क्षेत्र में जाके पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में आरएलडी कितनी सीटों की मांग कर रही है? सुनने में आया है कि 2 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन आप पदाधिकारी हैं पार्टी के, क्या मांग करते हैं, कहां कहां पर आपकी दावेदारी? देखो, 2 सीटों पर तो हमारी दावेदारी प्रबल है। एक तो जो बिजनौर सीट पे हमारे जो चंदन चौहान विजयी हुए हैं, उनकी सीट जो खाली हुई है, लोकदल की विजयी सीट है, वो सीट तो हमारी फाइनली है। उसके साथ साथ हम ये हमारी अलीगढ़ में खैर सीट पड़ती है, जहाँ हमने अभी क्या कहते हैं अपने गठबंधन प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि जी को यहाँ से सांसद बना के जिताया है, तो वहाँ भी हमारी प्रबल दावेदारी है। 2 सीटें तो ये हमारी नज़दीक की है। उसके बाद हमारा जो हमें जो संदेश आ रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमें सुनने को मिल रहा है, जो कि पार्टी के अंदर कुछ बातें चलती हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कुछ किया नहीं है, लेकिन हमें सुनने में आ रहा है कि 4 से 5 सीटों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग कर रहे हैं। तो आप उनके ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, जब भी जनता के बीच जाएंगे? नहीं नहीं, हम लोग तो लगे हुए हैं, और जो भी उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार जाके पूरे क्षेत्र में अपना प्रबंध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, तो वहीं जो 7 राज्यों में चुनाव हुआ 13 सीटों पर, 10 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में गई, जिसके बाद कांग्रेस ने जगह जगह पर लड्डू बांटे हैं, इंडिया गठबंधन काफ़ी खुशी है, नेताओं के बयान आ रहे हैं, अजय राय का भी बयान आ गया, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीत रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरह से अभी से ही एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो बड़े बड़े नेताओं का बयान, उपचुनाव को किस तरह देखा जा रहा है, क्या 2027 को आंकड़े? नहीं, ये जो प्रदेश में अभी जो पूरे देश में चुनाव हुए थे, उसमें जो हमारी हार का मैं कारण रहा था, कुछ तो बाहरी प्रत्याशियों का आना और अपने लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना, बाकी ऐसा नहीं है। कुछ उसमें भ्रमित बातें की गई थी, जैसे संविधान को बदला जाएगा, और उस समय 2 पेपर लीक भी हो गए थे जिससे युवा नाराज था, तो ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। और वैसे के देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ऐसी घटनाएं द्वारा पुनरावृत्त नहीं होंगी, और इनके लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं उसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और कई दोषियों को नीट में भी अभी आपने देखा होगा उसमें भी पकड़ा गया है मात्रा में, तो सबको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, और जिससे कि ये आपके युवा उनका भविष्य खराब ना हो। आज आप हाथरस से नोएडा पहुँचे हैं, हाथरस में अभी कुछ दिन पहले ही बड़ा कांड हुआ था, कई लोगों की मौत हो गई थी एक बाबा के चलते, आपकी पार्टी और आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किन पर कार्रवाई होनी चाहिए? खातर से घटना पे SIT टीम बना दी गई है, उसमें कुछ पूर्व जज है, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिन्होंने अभी अपनी एक रिपोर्ट शासन को भेज दी है, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो पहली जो घटना हुई थी उस घटना के संबंध में जो तहसील प्रशासन था उसको सबको बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे बाबाओं को लेकर समाज से क्या कहना चाहते हैं? आप समाज के बीच जाते हैं, आप एक पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और लोगों से मिलते भी हैं, क्या ऐसे बाबाओं के चक्कर में आम लोगों को आना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है ऐसे पाखंडियों के जंजाल में पब्लिक घुसना चाहिए, लेकिन अभी हमारे देश में पहले से क्या भी चाहिए बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं, और उन पाखंडियों ने अपना कब्जा कर रखा है, बाकी ऐसे पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और मुझे लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भोले बाबा को जेल के अंदर डालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। उपचुनाव में कितनी सीटें जीत रहे हैं? चुनाव में हम सारी सीटें जीतेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन को हर सीट पर हार नहीं बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पोलें खुल रही हैं। जिस तरह से उन्होंने ये सरकार बनने के बाद जिस तरह से ड्रामा किया, उन्होंने विपक्ष में बहुत कम सीट आने के बाद भी सरकार बनाने के लिए वो तैयार थे, जिस तरह से उन्होंने संविधान कहते हैं संविधान का मजाक उड़ाया है, उसका उनको ये उपचुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये थे मेरे साथ
आरएलडी के उत्तर प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र चौधरी साफ कहा है कि उपचुनाव में एनडीए भारी बहुमतों के साथ सारी सीटें जीत रहा है, इंडिया गठबंधन को करारी हार मिलेगी, लेकिन वो समय नज़दीक है जब इंडिया गठबंधन और एनडीए का नतीजा साफ हो जाएगा। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।